नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रदेश सचिव धर्मेंद्र यादव ने मनाया बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मुख्यमंत्री का जन्मदिन, केक काटकर दी बधाई। 32 पंच और 12 सरपंच रिक्त पदों का होगा चुनाव, नगर निगम में मतदाता सूची की शुरू हुई तैयारियां। छत्तीसगढ़ अभियोजन अधिकारी संघ के प्रांत अध्यक्ष बने राजेश त्रिपाठी, अधिकारी कर्मचारी को सुविधा दिलाना होगी पहली प्राथमिकता। नेशनल हाईवे पर गोवंश की हो रही मौत, पुलिस पर खानापूर्ति का आरोप लगाते हुए बजरंग दल ने घेराव की दी चेतावनी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के पूर्व प्रदेश सचिव धर्मेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, केक काटकर दी जन्मदिन की बधाई। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड के क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व सचिव और हाउसिंग बोर्ड की जनता ने सीएम के जन्मदिन को खास तरीके से मनाया। उन्होंने पूरे स्टेडियम को दिल के आकार के गुब्बारे से सजा दिया और हाउसिंग बोर्ड के लोगों ने भी सीएम का जन्मदिन स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया। सीएम के जन्मदिन के अवसर पर स्टेडियम में केक काटकर सीएम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से मजदूर और किसानों का विश्वास जीता है। उनके राज्य में किसान भी खुशहाली जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जहां विकास कार्य को लेकर आदिवासी भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ऐसी सरकार को कौन नहीं चाहेगा जो सबके बारे में सोचकर उनके हित में कार्य किया जा रहा है। आज का कार्यक्रम हमारे नेता, हमारे अगुवा माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। जो हाउसिंग बोर्ड, ये जो प्रांगण है, ये हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, जिनके कारण स्टेडियम बना, क्लब बना, जिम बना। उसी के उपलक्ष्य में हमारे जो क्लब के अध्यक्ष भी हैं और युवा नेता हैं, भाई रॉबिन सिंह, नीतीश यादव, इन लोगों ने, पूरे क्लब के लोगों ने इसको आज ऑर्गेनाइज किया। हम लोग ने सबने मिलकर ऑर्गेनाइज किया कि आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन हम लोग अपने मैदान में फ्लड लाइट के अंतर्गत मनाएंगे, जो कि पूरे प्रदेश में एक बहुत ही अच्छा आज का ये कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन का। जन्मदिन के अवसर पर पाटन ब्लॉक के ग्राम सांकरा में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों से मिले प्रेम से मैं अभिभूत हूँ। मुझे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का अवसर मिला, यह मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बार बार इसी धरती में जन्म लूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धरती को प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे के रूप में पूरे प्रदेश की सेवा कर रहा हूं। हमारे पुरखों ने जिस छत्तीसगढ़ का सपना देखा है, उसे मूर्त रूप देने की हम कोशिश कर रहे हैं। पाटन की धरती के बारे में उन्होंने कहा कि यह धरती किसान के आंदोलन की धरती है, आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन की धरती है। इस धरती को मैं नमन करता हूं। आप सभी से इतना प्रेम मिलता है कि इसके बदले धन्यवाद शब्द बहुत छोटा महसूस होता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केक भी काटा और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि मंडल से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में 32 पंच और 12 सरपंच रिक्त पदों के लिए उपनिर्वाचन कराया जाना है। वहीं आगामी नगर निगम चुनाव के चलते मतदाता सूची की तैयारी शुरू हो गई है। दुर्ग जिले में कोरोना काल के बाद अब चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है। आगामी पंचायत व नगरी निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार किए जाने के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके मुताबिक संबंधित ग्राम पंचायतों को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अगस्त को किया जाएगा। इस सूची पर 8 सितंबर तक दावा आपत्ति ली जाएगी। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 16 सितंबर तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उनके द्वारा जो निर्देश समय समय पर प्राप्त होते हैं और जो पद जो रिक्त हैं उनकी रिक्तियां भरने के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। इसी कड़ी में जो सरपंचों के जो पद है उसका आने वाले समय में चुनाव होगा और उसके लिए मतदाता सूची और जो अन्य आवश्यक तैयारी रहती है उस तैयारी की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची तैयारी करने के लिए संबंधित अनुभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। यदि 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या उससे अधिक के किसी मतदाता का नाम उक्त ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे पहले फॉर्म 6 भरकर विधानसभा के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का कहना है कि रिक्त पदों को भरने के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सरपंचों का चुनाव आने वाले समय में किया जाएगा, इसको लेकर मतदाता सूची और अन्य तैयारी की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
अभियोजन अधिकारी संघ के प्रांत अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी को निर्वाचित किया गया है। राजेश त्रिपाठी ने कहा कि कर्मचारियों को सुविधाएं दिलाना पहली प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ अभियोजन अधिकारी संघ के प्रांत अध्यक्ष पद पर दुर्ग में पदस्थ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश त्रिपाठी निर्वाचित हुए हैं। एक मुलाकात के दौरान चर्चा में नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता वेतन विसंगतियों को दूर करने और अधिकारी कर्मचारियों को प्रताड़ना से संरक्षण प्रदान करने की होगी, साथ ही अभियोजन कार्यालय में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, इस दिशा में प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियोजन अधिकारी संघ की मांग है कि जिस प्रकार से न्यायिक अधिकारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, वैसे ही अभियोजन अधिकारियों को भी आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि यह पहला अवसर है जबकि अभियोजन संघ के सभी महत्वपूर्ण पदों पर जिला अभियोजन अधिकारी निर्वाचित हुए हैं। नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी वर्तमान में दुर्ग जिले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने अभियोजन विभाग के सारे अधिकारी और कर्मचारीगण को दिल से बधाई देता हूँ। प्रांताध्यक्ष बनने के पश्चात हमारा प्रमुख कार्य यह रहेगा कि हमारे विभाग के जो वेतन विसंगति है उसको वेतन विसंगति को दूर करना और हमारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को संरक्षण देना। जैसे कोई गुमनाम शिकायत करके किसी को प्रताड़ित करना चाहता है तो हम लोग उसको चाहते हैं कि इस प्रकार के गुमनाम पत्र से उनको निजात मिले और किसी को अनर्गल कोई प्रताड़ित ना करे। मेरा ये है इच्छा कि जो छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यालय में जहाँ पर सुविधा हमारे अभियोजन अधिकारी को नहीं है तो पहले आधारभूत संरचना सुविधा उनके उपलब्ध कराया जाए। कई जगह बेचारे मतलब शौचालय नहीं है, कार्य करते हैं, कम से कम एक मानव अधिकार की बात हम लोग करते हैं और हमारे अधिकारी उससे वंचित रहें तो हम दूसरे को क्या जवाब देंगे। और दूसरा ये चाहता हूँ जिस प्रकार न्यायिक पुल के अधिकारियों के लिए क्वार्टर के अलाट अलग से प्रक्रिया रहती है, उनके लिए किया जाता है, तो हमारे अभियोजन अधिकारियों के लिए भी अलग आवास के लिए एक पुल बनाया जाए। बता दें कि 21 अगस्त को रायपुर में छत्तीसगढ़ अभियोजन अधिकारी संघ का चुनाव संपन्न हुआ था जिसमें भारी संख्या में राज्य भर के अभियोजन अधिकारी सम्मिलित हुए। चुनाव में प्रांत अध्यक्ष के पद पर राजेश त्रिपाठी के अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर माधुरी बांधे, महासचिव के पद पर गजेंद्र प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष के पद पर राघवेंद्र पांडे एवं प्रांतीय संगठन एवं प्रचार सचिव के पद पर शुभम तोमर भारी मतों से निर्वाचित हुए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे पर गौवंशों की मौतों को लेकर पुलिस पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाते बजरंगियों ने दी घेराव की चेतावनी। नेशनल हाईवे पर ग्राम पीपर छेड़ी के पास सड़क दुर्घटना में 16 गौवंशों की मौत को लेकर बजरंग दल आंदोलन का मार्ग इख्तियार करने के मूड में नजर आ रहा है। बजरंग दल का आरोप है कि इस मामले पर संबंधित थाना पुलगांव के प्रभारी गंभीर नहीं है और दुर्घटना पर अब तक सिर्फ FIR दर्ज किए जाने की कार्रवाई की गई है, लेकिन दुर्घटना के जिम्मेदार व्यक्तियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। बजरंग दल ने इस दुर्घटना के लिए टोल प्लाजा प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि एक सप्ताह में किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होने पर नेशनल हाईवे का घेराव किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गत दिनांक 20 तारीख को सुबह सुबह 1 बजे के आसपास में नेशनल हाईवे है वहाँ पे लगभग 20 गायों के साथ में एक्सीडेंट हुआ था। इसमें 16 जो गायें थी उनकी निर्मम हत्या हुई और जो 4 गायें थे वो बहुत ज़्यादा मतलब जोखिम हो गई थी, तो जिस पर बजरंग दल ने 20 तारीख को थाना प्रभारी कैलाश जी पुलगांव में अपना आवेदन दिया था और उनसे ये पूछा गया था आवेदन में कि टोल प्लाजा की इसमें क्या कार्रवाई हुई, आपके द्वारा इसमें क्या कार्रवाई की है या करेंगे ऐसा करके। तो कल दिनांक 23 तारीख को फिर से बजरंग दल थाना में गए थे और जिसमें कैलाश जी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें उसमें बोला गया था, जिसमें आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले कैलाश जी ने ये बोला था थाना प्रभारी ने कि जो 16 गायें जो ख़त्म हुई हैं उसकी जो मतलब टोल प्लाजा के ऊपर जो कार्रवाई जो होगी वो उसके लिए हमारा जो वकील रहेगा वो यहाँ पे पूछताछ करेगा, उसमें धाराएं क्या लग रही है, किस तरीके से आगे हम उसमें निर्णय लेंगे, ऐसे थाना प्रभारी का कहना था। तो बजरंग दल यहाँ पर आरोप ये लगाता है थाना प्रभारी जी के ऊपर में, पुलिस प्रशासन के ऊपर में, कि अगर सारा चीज़ अगर वकील करेगा तो फिर आप थाने में बैठे क्यों हैं? आप क्या आपको धाराएं नहीं पता है, क्या आपको उसका नियम कानून नहीं पता है? वो नहीं, अभी क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि जो हमने 3 से 4 लेवल में हमने जो काम किया हुआ था, सबसे पहले तो जो 16 गायें जो हुई है मरी हैं
जिनकी मतलब इन्होंने पुलिस प्रशासन ने क्या किया है, एक्सीडेंट यहाँ पे केस दायर किया हुआ है, जहाँ पे जो केस बनता है पूरा हत्या का केस बनता है, क्योंकि एक गाय नहीं थी, दो गाय नहीं थी, पूरी की पूरी 20 गाय थी, 16 गाय जिसमें खत्म। बता दें कि इस दुर्घटना को लेकर 20 अगस्त को पुलगांव थाना प्रभारी से मुलाकात कर बजरंग दल नेताओं ने ठोस कार्रवाई और दुर्घटना के लिए टोल प्लाजा प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए इंचार्ज हेमंत चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से गायों को रौंदने वाले वाहन चालक की पतासाजी जल्द किए जाने की मांग भी की थी। इन मांगों पर कार्रवाई की प्रगति जानने बजरंग दल के प्रदेशाध्यक्ष संतोष गोलछा एवं प्रांत संयोजक रतन यादव व विभाग मंत्री अनिल गुज्जर के मार्गदर्शन में राकेश शिंदे, मयंक, जिला उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह, आकाश साहू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पुलगांव थाना प्रभारी से चर्चा की। चर्चा में थाना प्रभारी ने कहा कि संबंध में सरकारी वकील से मार्गदर्शन व जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि पुलगांव थाना प्रभारी इस मामले में अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, साथ ही थाना प्रभारी पर मिलीभगत कर कार्रवाई करने से बचने का आरोप भी लगाया है। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने किसानों को हो रही तकलीफों को लेकर किया प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। दुर्ग जिले में अनियमित वर्षा के कारण फसल खराब होने से आक्रोशित दुर्ग व बालोद जिले के सैकड़ों किसानों ने छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के नेतृत्व में गांधी चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी भड़ास निकाली। किसानों ने प्रदेश की भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सिंचाई पंप होने के बावजूद फसल खराब होने के लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसे समय में भी जब वर्षा समय पर पर्याप्त नहीं हुई है, सिंचाई पंपों की बिजली में रोज 6 घंटों की कटौती को बंद नहीं किया गया है, कई दिन तक बिजली की आपूर्ति बंद रहती है। उन्होंने कहा कि यदि कभी बिजली मिलती भी है तो लो वोल्टेज रहता है, जिसके कारण पंप नहीं चल पाते। अनेक किसानों के पंप जल गए और बिजली के उपकरण भी खराब हो गए। बिजली के संबंध में जो वोल्टेज प्रॉब्लम है और कभी कभी लाइट भी बंद रहता है हमेशा। दूसरा बात खाद के संबंध में, खाद भी मिल नहीं रहा है जी, और पानी भी सही मात्रा में पानी मिला नहीं है। तो हम इस सब संबंध में आज किस क्षेत्र से आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं पूरे दुर्ग ब्लॉक के, दुर्ग ब्लॉक, धमधा ब्लॉक, पाटन वाले भी आए हैं। तो क्या मांगे है, मुख्य मांगे आपकी? हम लोगों की मुख्य मांग है खाद का सही सप्लाई करें, बिजली की आपूर्ति सही करें, और अभी स्थिति देखते हुए सूखा की घोषणा करें। शासन से आपको क्या आशा है? अब आशा तो अभी कुछ मिला ही नहीं है, हम आज संकेत सांकेतिक रूप में अवगत करा दिए हैं। किसानों का कहना है कि अनियमित वर्षा के कारण अधिकांश किसान समय पर बुवाई, रोपाई और बियासी नहीं कर सके हैं और 33% से अधिक धान की फसल खराब हो गई है, जिसमें सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। किसानों ने कहा कि खाद की कमी का जो संकट इस साल किसानों को झेलना पड़ा है, वैसा संकट पहले कभी नहीं हुआ। किसानों की इन्हीं समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और किसानों के हित में उचित पहल करने की मांग की। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas.
we take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. Celebration Safari Barnawapara Wildlife Sanctuary में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वासु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बोलबम सेवा समिति में ओबीसी प्रकोष्ठ का गठन हुआ। ओपी यादव को बोलबम समिति के ओबीसी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया। ओबीसी वर्ग के हित में कार्य करने वाले लोगों को प्रकोष्ठ में मौका मिलेगा। बोलबम सेवा समिति एवं कल्याण समिति लगातार संगठन का विस्तार कर रही है। अब ओबीसी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ के पहले अध्यक्ष खुर्सीपार के वरिष्ठ नागरिक ओपी यादव को बनाया गया है। ओपी यादव भाजपा खुर्सीपार मंडल के दो बार उपाध्यक्ष रहे। मुझे बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह जी ने ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग कहलाते हैं जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये जो उन्होंने नियुक्ति मुझे दी है, मैं पूरी जीवन भर भाजपा में सक्रिय रहा और हर तरह से मैं भाजपा में मेहनत से मैं काम करते रहा। भाजपा के मतलब नेता जो लोग हैं वो मुझे खाली आश्वासन देते रहे, लेकिन दया सिंह ने कुछ बोला नहीं कभी भी और मुझे ओबीसी का जिले का अध्यक्ष बना दिया। तो मैं भी सोचता हूँ कि जो जीवन भर सक्रिय रहा, अब आगे भी एक बार और जीवन में मैं अंत समय में सक्रिय रहकर ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहता हूँ और प्रत्येक वार्डों में और हर मंडलों में पूरे भिलाई में जिला जहाँ तक भी है मैं हर जगह लोगों से मिलूंगा ओबीसी वर्ग से। ओबीसी में यादव वर्मा साहू तेली तमोली बढ़ई लोहारे सब लोग ओबीसी में आते हैं, ये सभी से मैं मिलूंगा और मिल के मंडल की टीम और जिले की भी इस तरह की टीम गठित करूंगा और जहां जरूरत पड़ेगी वहां ओबीसी वर्ग के लिए मैं संघर्ष भी करूंगा। और इसमें मैं यानी कि बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं माननीय दया सिंह जी को और ये हमारे मिश्रा जी को। इन्होंने मुझे ये कुछ समझा जो भाजपा के नेताओं ने मुझे समझना चाहिए था वो मतलब वो लोग नहीं समझे और ये दया सिंह जी ने मुझे समझा। मेरी मेहनत इन्होंने पूरे जीवन भर से ये देख रहे हैं और मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे दया सिंह ने समझा और इन्होंने कभी आश्वासन नहीं दिया लेकिन इन्होंने वो कर दिए जो मुझे होना चाहिए था। और मैं दया सिंह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसको पूरी मेहनत से निभाऊंगा और ओबीसी वर्ग के लिए काम करूंगा और आगे मतलब जो काम होगा न ज्यादा बोलकर मैं चाहता हूँ काम पे विश्वास करूं। आज तक काम पर ही विश्वास किया मैंने और जहाँ जरूरत पड़ी वहां मैंने खुलम खुल्ला भी बहुत सी बातें मैं व्यक्त करता था और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो खुलम खुल्ला भी बहुत सी बात बोलूंगा और सक्रिय रहूंगा। धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय यादव, जय माधव, ओबीसी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बोलबम समिति जिंदाबाद। समिति के प्रदेश के अध्यक्ष दया सिंह जी ने बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। उन्होंने भी मुझे बोला नहीं लेकिन मुझे अध्यक्ष की नियुक्ति दी अपने संगठन के जरिए इस तरह से। बम भोले बोल बम बोल बम बोल बम हरे महादेव। वहीं जनहित से जुड़े कार्यों के लिए अच्छी पकड़ रखते हैं। उनकी यह नियुक्ति बोलबम सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष दया सिंह ने की है। दया ने बताया कि ओबीसी वर्ग के लोगों के विकास के लिए
संगठन का विस्तार किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष ओपी यादव को बनाया गया है और उनकी नियुक्ति से संगठन और मजबूत हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कैंप वन नेहरू चौक में मुख्यमंत्री का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उनके दीर्घायु जीवन की सबने कामना की। सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के ऊर्जावान मुख्यमंत्री सभी वर्गों को लेकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ब्लॉक के सम्माननीय अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा जी एवं तमाम साथी उपस्थित है। साथियों, निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ और इस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं में काम कर रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ पूरी खुशहाली है और खासकर किसानों के लिए बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और हर गरीब उनसे खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथियों, आदरणीय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माटी पुत्र किसानी देसी छत्तीसगढ़ के आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। आज हम लोग नेहरू चौक प्रांगण पर उनकी खुशी को इजहार करते हुए आज हम लोगों ने यहां पर नेहरू चौक में हमारे साथी ब्लॉक के अध्यक्ष रमा विश्वकर्मा जी, प्रभाकर जन्मबंधु जी, सभी लोग उपस्थित होकर केक काटकर खुशियां मनाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनके कार्यों के लिए कांग्रेस ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वह बखूबी निभा रहे हैं। उनके दीर्घायु जीवन की हम सब कामना करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म स्थल पोरबंदर गुजरात पहुंचकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्मरण किया। भिलाई कैंप वन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं द्वारा सावन के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भिलाई कैंप वन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं द्वारा सावन के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राकेश पांडे का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भिलाई जिला में निवासरत महिलाओं के द्वारा राकेश पांडे को राखी बांधकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। देखिए, एक सामाजिक कार्य है और विशेष करके इसका आयोजन युवाओं ने किया है। हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। मैं सभी को, विशेष करके हमारे कैंप वासियों को, इस बात की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि सावन के महीने के साथ में ही आप हमारे पर्वों को बड़े भाव के साथ में मना रहे हैं। इससे एक संदेश भी जाता है, हमारे युवाओं में भी संदेश जाता है कि हमारे जो धर्म कर्म के कार्य हैं उनसे बिल्कुल जुड़ना चाहिए और जुड़ने से एक संदेश जाता है, आपसी भाईचारा बढ़ता है। काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और किसी भी समारोह में आपस में मिलने जुलने से भाईचारा बढ़ता है। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। आज का यह कार्यक्रम हम सावन समाप्ति के उपलक्ष्य में करा रहे थे, जो कि कैंप 18 नंबर रोड पे है और हमारा मेन उद्देश्य था कि यहाँ की महिलाओं को हम थोड़ा जागरूक करें, आगे बढ़ाएं, घर से निकल के महिलाएं थोड़ा आगे आएं और लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएं। इसमें हमारा सहयोग हमारे पूरे दोस्त लोग ने, लड़कों लोगों ने, सब ने बखूबी किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और युवा मोर्चा के साथीगण भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन निखिल सोनी थॉमस, आशीष प्रदीप सन्नी अभिलाष के द्वारा सावन के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं सभी भक्तों को खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला बनने के बाद बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से बेमेतरा जिले के नवागढ़ साजा बेमेतरा में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके। बेमेतरा जिले में किसी भी प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान न होने के कारण प्रदूषण रहित जिला है। बेमेतरा जिले के ग्राम नेवनारा में स्टील प्लांट के विरोध में आज ग्रामीणों ने प्लांट लगाने निजी कंपनी ने खरीदे 400 एकड़ जमीन से ग्राम नेवनारा में स्टील प्लांट खुलने की जानकारी से आक्रोशित है। स्टील प्लांट खोलने की अनुमति नहीं देने की गुजारिश ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से की है, जिसके लिए किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण मुक्त फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। उल्टे क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट लगाने के लिए निजी कंपनी सक्रिय है। जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ लगातार उद्योगपति जमीन खरीद रहे हैं
स्टील प्लांट लगाने का जो सुधुहाट शुरू हो गई हमारे ग्राम नेवनारा में भी एक निजी प्लांट रायपुर के निजी उद्योगपतियों ने 400 एकड़ जमीन खरीदा है। लगातार उनके एजेंट संपर्क कर रहे हैं। ग्राम सभा में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। हमारे सरपंच महोदय जी तो यहाँ पे उपस्थित हैं, ग्रामवासी उपस्थित हैं। हम लोग प्रदूषण वाले प्लांट नहीं लगने देंगे। हम लोग चाहते हैं कि बेमेतरा जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है, अगर यहाँ अगर प्लांट लगता है तो कृषि से आधारित प्लांट लगे, यहाँ शक्कर कारखाना लगे, मक्का का कारखाना लगे, कपास का कारखाना लगे, यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे, हम उनका स्वागत करते हैं। इथनॉल का प्लांट लगे, लेकिन प्रदूषण वाले प्लांट हम लोग नहीं लगने देंगे। इसका हम लोग विरोध करते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जरूरत पड़ेगा तो आगे हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे, लेकिन प्लांट नहीं लगने देंगे। प्लांट लगी कि के मतलब हमारे गांव चर्चा चला थे, ओकर से बहुत मतलब धुआं आना है, तब प्रदूषण ज्यादा है, तब ओकर से सबके शरीर नुकसान होगी, ओकर कारण से मन वो प्लांट का रोकना चाहता था। जेन है धुआं रही प्लांट है वो सब हम बनवा सकते ना, वो वैसे धुआं वाला नहीं बनाना, काबर की हमारे सरकार है तो वही सब चीज धुआं मत हो शरीर करके आज गैस वैस सब उपलब्ध करा थे, हमारे गाँव बैठाड़ो तो ओकर से ज्यादा बीमारी ग्रस्त होकर हमारे क्षेत्र खराब हो। ग्रामीणों के अनुसार सिलतरा उरला औद्योगिक क्षेत्र नजदीक है, वहां के ग्रामीणों का स्टील प्लांट लगाने से फसल स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। नेवनारा में स्टील प्लांट शुरू हुआ तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी, साथ ही ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इस प्रकार की समस्याओं से क्षेत्रवासियों को जूझना पड़ेगा। स्टील प्लांट के विरोध में बेमेतरा विधायक ने भी ज्ञापन सौंपा है। विधायक के निर्णय की ग्रामीणों ने सराहना की। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही, अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।